इतने इतने प्रकरण है सर, पूरे पुलवामा को लेकर सत्यपाल मलिक को लेकर जो ट्वीट किया था कि मैं अगर सवाल उठाता हूँ तो सरकार जवाब नहीं देती है सत्यपाल मलिक से उस पर। मेरी कौन सी गलत बात निकली आज तक बता दो है क्यों? ये जब भी मैं कहता हूँ तो भाजपा मुझ पर दुनिया भर की ट्रोल आदमी पीछे लग जाती है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, ये है, दुनिया भर की बात करते हैं। स्वयं डॉक्टर बीडी शर्मा ने ही बात कह दी, देशद्रोह का आरोप मुख्यमंत्री लगा दिया। जब मैं थाने पे अपने आप को प्रस्तुत किया तो मुझे लिखित दिया थाने ने कि मैं आपके ऊपर कोई पुलिस पकड़ नहीं है। लेकिन ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग, बजरंग दल के लोग जो आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी कर रहे देश की, उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया शिवराज सिंह जी ने? उनकी जमानत कैसे होने दी? जमानत की उन्होंने अपील क्यों नहीं की? खुले छूट घूम रहे हैं। बलराम सिंह बजरंग दल का अध्यक्ष, सतना का, ध्रुव सक्सेना भोपाल का, ऐसे कम से कम 20 लोग हैं जो आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे, वो राष्ट्रद्रोही नहीं है? उन पर एनएसए केस क्यों नहीं चलाया शिवराज सिंह चौहान ने? एक सवाल, मध्य प्रदेश के मैयर में धर्मस्व विभाग ने एक आदेश जारी किया है। किसने? धर्मस्व विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि मैयर मंदिर प्रबंधन समिति में जो मुसलमान है उनको तत्काल बाहर निकाला जाए और मांस मदिरा की दुकानें भी धार्मिक नगरी से बाहर हो। मुसलमानों की प्रबंधन समिति में होने पर ऐतराज है, ये धर्मस्व विभाग ने पत्र लिखा है। धर्मस्व प्रबंधन समिति की नियुक्ति कौन करता है? उनसे पूछिए ना। मुसलमानों देखिए, ऐसा है, आपको ऐतराज है ना?